हिंदी के परीक्षा में प्रत्येक वर्ष अपने पिताजी के पास पत्र लिखने के लिए और छुट्टी के संबंध में हेडमास्टर के पास एप्लीकेशन लिखने के लिए हर हाल में पूछता है और अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं या फिर सही तरीके से नहीं लिखते हैं जिसके कारण उनका नंबर काट लिया जाता है। यदि 10 नंबर का है तो 8 नंबर देकर कहीं 7 नंबर देकर कहीं 6 नंबर देकर कहीं टीचर छोड़ देते हैं जो कि बहुत बुरी बात है। यदि आप लोग सही तरीके से लिखते हैं तो फिर 10 में 10 नंबर आपको मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे ताकि पत्र लिखने के लिए और एप्लीकेशन लिखने के लिए आप लोग अच्छे तरीके से जान जाए। अगर इसी तरीके से आप लोग परीक्षा में लिखेंगे तो हम दावे के साथ कहते हैं कि आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पत्र लिखने का और एप्लीकेशन लिखने का सही तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा, इस वीडियो में आपको भली भांति पता लग जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, यदि पत्र लिखना है तो सबसे पहले हम लोग अपने पिताजी के पास पत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान से समझिए। सबसे पहला चीज, आप लोगों को जब पत्र लिखना है तो कॉपी के दाहिने तरफ सबसे ऊपर में तिथि लिखना है, यानी कि डेट, जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वह तारीख सबसे ऊपर में यहां पर अंकित करना है और तारीख के जस्ट नीचे आप पत्र कहां से लिख रहे हैं यह लिखना है। जैसे मान लिया जाए कि हम पत्र लिख रहे हैं 1 तारीख 2 महीना 2022 को और कहां से लिख रहे हैं, पटना से लिख रहे हैं, तो यहां पर सबसे ऊपर में इस तरीके से आपको लिख देना है। उसके बाद बाएं तरफ क्या करना है कि जहां पर हम लोग तिथि लिखे हैं यानी कि तिथि वाले लाइन में ही सबसे ऊपर में लिखना है पूज्य पिताजी सादर प्रणाम, क्योंकि आप लोग एक सभ्य बालक हैं, सभ्य स्टूडेंट हैं, आप लोग संस्कार अच्छे तरीके से जानते हैं तो पिताजी को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। उसके बाद क्या लिखेंगे कि आपका पत्र हमें आज ही प्राप्त हुआ, यानी कि आज ही प्राप्त हुआ है, और जब पिताजी का पत्र है तो उसका जवाब भी देना हमें बनता है, यानी कि आज पत्र प्राप्त हुआ और पिताजी को आज ही हम जवाब भी दे रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि आपका पत्र हमें आज ही प्राप्त हुआ, मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशल पूर्वक होंगे, यानी कि जब पिताजी का सवाल है तो पिताजी सबसे पहले यही जानना चाहते हैं कि आखिर हमारा बेटा बाहर में रह करके पढ़ रहा है तो कैसा है, कुशल पूर्वक है भी या नहीं है। तो सबसे पहले कुशलता का हाल उनको बताना है कि पिताजी मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशल होंगे, मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है, जैसा कि आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है और पिताजी इसीलिए तो पत्र लिखे हैं कि हमारे बेटा का परीक्षा शुरू होने वाला है, तो जरा एक पत्र लिख करके हम पूछ लेते हैं कि तैयारी कैसी हुई है, तो तैयारी के संबंध में ही हम यह पत्र लिखेंगे। ठीक है, तो पिताजी को सबसे पहले प्रणाम करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि मैं यहां कुशल पूर्वक हूं और आशा करता हूं कि आप सभी घर पर कुशल पूर्वक होंगे, मेरी आगामी परीक्षा बहुत जल्द शुरू होने वाली है और मैं पूरी निष्ठा से तैयारी कर चुका हूं। देखिए, पिताजी को आश्वासन दिलाना है कि हां हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, ताकि पिताजी को किसी प्रकार का कोई चिंता ना हो जाए। अगर आप बोलेंगे कि हमारी तैयारी अच्छी नहीं है तो पिताजी वहां चिंतित हो जाएंगे, आपके माताजी चिंतित हो जाएंगे कि हमारे बेटा का मैट्रिक का परीक्षा है और उसका तैयारी अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए उनको पूरी निष्ठा के साथ बताना है, विश्वास के साथ बताना है कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमारी सभी विषयों की तैयारी पूरी हो चुकी है, शुरू में मुझे विज्ञान और गणित में थोड़ा कठिनाई हो रही थी। देखिए, अब तैयारी करने के दरमियान क्या क्या कठिनाई हुई इसके बारे में भी तो पिताजी को बताना है। अगर आप लोग सीधे सीधे बोल देंगे कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है तो पिताजी विश्वास नहीं करेंगे, वह सोच लेंगे कि बेटा झूठ बोल रहा है, क्योंकि इतना अच्छा से तो तैयारी नहीं हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो दिक्कत हुआ होगा। तो इसलिए उनको विश्वास दिलाना है कि नहीं पिताजी, हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, और क्या क्या समस्या आया तैयारी करने में समस्या का भी जिक्र करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारी सभी विषयों की तैयारी पूरी हो चुकी है, शुरू में मुझे विज्ञान और गणित में थोड़ा कठिनाई हो रही थी, लेकिन हमने जब से यूट्यूब पर टारगेट बोर्ड चैनल से पढ़ना शुरू किया तब से टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। भाई, हम यह नहीं कहते हैं कि आप हमारे बारे में ही लिखिए, लेकिन जिस भी टीचर से आप लोग पढ़े हैं उस टीचर के बारे में जरूर जिक्र करिए कि हाँ हम यहां से पढ़े और इनके माध्यम से जब हम पढ़े तो हमारी तैयारी पूरी हो गई, जो भी हमारे डाउट्स थे वह क्लियर हो गए। तो यहां पर आपको पत्र में वह जरूर मेंशन करना है। तो हमने यहां पर टारगेट बोर्ड चैनल के बारे में ही लिखा है कि हमने जब से यूट्यूब पर टारगेट बोर्ड चैनल से पढ़ना शुरू किया तब से टारगेट बोर्ड वाले प्रिंस सर, वीरेंद्र सर, क्रिस सर हमारी बहुत मदद कर रहे हैं, जिससे हमारी सभी विषयों की तैयारी जबरदस्त रूप से हो गई है, और अब मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करूंगा, यानी कि पिताजी
पिताजी को विश्वास दिला दिए। पिताजी को विश्वास दिलाना जरूरी है कि अब मैं आशा करता हूँ कि हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है और हम बहुत ही अच्छे अंक से पास करेंगे। और उसके बाद जब आप पूरा बात खत्म हो जाए, क्योंकि तैयारी के बारे में ही तो पूछा जा रहा था, अब तैयारी के बारे में आप बता ही दिए कि तैयारी पूरी हो चुकी है, कहाँ कहाँ पर हमारा दिक्कत था, और लास्ट में आप कॉन्फिडेंस के साथ बता दिए कि मैं बहुत ही अच्छा अंक प्राप्त करूंगा, यानी कि पिताजी को भी अब विश्वास हो गया कि हाँ मेरा बेटा अच्छे से तैयारी कर लिया है और वह पूरा पूरा लिख करके ही आएगा। उसके बाद अंत में, क्योंकि आप एक सभ्य बालक हैं, एक संस्कार वाले बच्चा हैं, तो लिखेंगे कि पूज्य माँ और बड़ों को चरण स्पर्श, यानी कि घर में हमसे जितने सारे भी बड़े हैं, माता जी हो गए, बड़े भाई हो गए, दादाजी हो गए, दादी हो गए, सभी को हमारा चरण स्पर्श, यानी कि सभी को हम दूर से ही प्रणाम कर रहे हैं, और जितने सारे भी हमसे छोटे हैं सभी को हमारा शुभ आशीष कहिएगा, यानी कि जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, लास्ट में आप लोगों को जरूर लिखना है कि पूज्य माँ और बड़ों को चरण स्पर्श और सभी छोटे को हमारा शुभ आशीष कहिएगा। और लास्ट में आपको लिखना है कि आपका प्यारा पुत्र मनोज, जो भी आपका नाम है वह यहाँ पर लिख देना है, टाइटल नहीं लगाइएगा। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, देखिए सही तरीका क्या होता है लिखने का ना, अगर आप लोग सही तरीके से लिखते हैं तो फिर पूरा नंबर मिलेगा। जैसे आपका नाम है मनोज कुमार, तो यहाँ पर मनोज कुमार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप अपने पिताजी के लिए सिर्फ मनोज हैं, कुमार तो आपके सर्टिफिकेट के लिए हो गया, पहचान के लिए हो गया, लेकिन पिताजी के लिए आप सिर्फ मनोज हैं। तो यहाँ पर अपना सिर्फ नाम ही लिखना है, टाइटल नहीं लगाना है। तो सिर्फ यहाँ पर नाम लिख देंगे आपका प्यारा पुत्र मनोज। तो कुल मिलाकर के इसी तरीके से आपको पत्र लिखना है, और हम दावा के साथ कहते हैं कि अगर इस तरीके से आप लोग पत्र लिखिएगा तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। पांच नंबर का है तो पांच में पांचों मिलेगा, दस नंबर का है तो दस में दस नंबर मिलेगा, एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, क्योंकि हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पत्र लिखने के लिए बता दिए। तो आप लोग पत्र लिखने के लिए तो समझ गए, अब चलिए हम आपको बताते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए। देखिए कह रहा है कि कभी कभी परीक्षा में प्रधानाध्यापक या प्रिंसिपल के पास आवेदन लिखने के लिए भी पूछता है, तो चलिए आवेदन कैसे लिखा जाता है हम लोग देखते हैं, यानी कि आवेदन लिखने का सही तरीका क्या है हम आपको यहां पर बताते हैं। तो देखिए आवेदन किस तरीके से लिखा जाता है, आवेदन जब हम लोग प्रधानाध्यापक के पास लिख रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे कि सेवा में, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, और उसके बाद अपने विद्यालय का नाम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, क्योंकि आप लोग एक संस्कारी बच्चा है और प्रधानाध्यापक रिस्पेक्टेड होते हैं, यानी कि आदरणीय होते हैं, तो इसलिए उनको आदर के साथ ही बोलना है कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय उच्च विद्यालय पटना, अपने अपने विद्यालय का नाम आप लोग यहां पर लिखेंगे। उसके बाद सबसे पहले विषय लिखेंगे, आखिर किस विषय पर हम यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं, एप्लीकेशन लिखने का कोई ना कोई तो कारण होगा, ऐसे तो एप्लीकेशन नहीं लिखा जाता है, तो एप्लीकेशन लिखने का कारण हम लोग विषय में लिखेंगे कि परीक्षा या पढ़ाई शुल्क माफ करने के संबंध में। बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अपने परीक्षा शुल्क या फिर पढ़ाई वाला शुल्क जो होता है उसे माफ करने के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक पत्र लिखें, तो कारण में हम लोग लिखेंगे कि परीक्षा या पढ़ाई शुल्क माफ करने के संपर्क में। उसके बाद अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को अपने वर्गाध्यापक महोदय के द्वारा भिजवा रहे हैं प्रधानाध्यापक के पास, तो यहां पर आपको द्वारा जरूर लिखना है कि किनके द्वारा भिजवा रहे हैं, तो वर्गाध्यापक महोदय के द्वारा भिजवा रहे हैं। अगर खुद लेकर के जा रहे हैं तो द्वारा आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा यह बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर खुद से यह एप्लीकेशन प्रधानाध्यापक को दे रहे हैं तो आपको द्वारा नहीं लिखना है, लेकिन अगर किसी के द्वारा भिजवा रहे हैं, मान लिया जाए कि जो क्लास टीचर हमारे हैं उनके द्वारा भिजवा रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि द्वारा वर्गाध्यापक महोदय, यानी कि वर्गाध्यापक महोदय के द्वारा यह लेटर आपके पास जा रहा है। तो उसके बाद हम लोग यहां से लिखेंगे महाशय, क्योंकि सर आदरणीय हैं, जो प्रधानाध्यापक होते हैं वह रिस्पेक्टेड होते हैं, आदरणीय हैं, तो लिखेंगे कि महाशय। उसके बाद उनसे निवेदन करना है, क्योंकि ऑर्डर तो नहीं दे सकते हैं ना कि सर आप इसको फ्री ही कर दीजिए, लेकिन हम उनसे निवेदन कर सकते हैं, तो निवेदन पूर्वक हमको यहां पर कहना है। क्या कहेंगे कि सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित कुमार, अपना अपना नाम आप लोग यहां पर लिखेंगे, ठीक है। सविनय निवेदन यह है कि मैं अंकित कुमार आपके विद्यालय में दसम कक्षा का छात्र हूं, यानी कि आपके विद्यालय में हम दसवां क्लास में पढ़ते हैं, तथा मैं विद्यालय में लगातार उपस्थित रहता हूं, यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड है विद्यालय में वह बहुत अच्छा है, यानी कि हम डेली प्रेजेंट होते हैं, लगातार हम अपने क्लास में उपस्थित रहते हैं। मेरे पिताजी एक मजदूर हैं, मेरे पिताजी क्या है, मजदूर हैं, आखिर गरीब हैं तभी तो परीक्षा शुल्क माफ करने के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। जब आपके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति रहता तो फिर क्यों आप लोग प्रधानाध्यापक के पास लेटर लिखते कि हमें
जो परीक्षा शुल्क है उसे माफ़ कर दिया जाए। हमारे पिताजी एक मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके पास कम पैसा है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो शुल्क है उसे माफ़ कर दिया जाए। तो लिखेंगे कि पिताजी एक मजदूर हैं जो दूसरों के यहाँ काम करते हैं, लेकिन बीते 2 महीनों से हमारे पिताजी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी कि हमारे पिताजी मजदूर हैं, दूसरों के यहाँ काम करते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है, लेकिन 2 महीने से हमारे पिताजी का तबीयत ठीक नहीं है। 2 महीने से हमारे पिताजी बीमार हैं, जिसके वजह से, ध्यान रखिएगा, बीमार हैं जिसके चलते वह 2 महीनों से काम पर भी नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में पैसों की आर्थिक तंगी आ गई है। जाहिर सी बात है कि घर में पिताजी ही सिर्फ कमाने वाले होते हैं, तो पिताजी जब 2 महीने से बीमार हैं तो काम कौन करेगा, और जब काम नहीं करेगा तो घर में आर्थिक तंगी आएगी, पैसा का दिक्कत होगा। तो इसीलिए हम लोग यह एप्लीकेशन लिख रहे हैं, क्योंकि एप्लीकेशन जब लिख रहे हैं कि माफ़ कर दिया जाए तो क्यों माफ़ किया जाए, हमको कारण बताना पड़ेगा ना कि हमारे पास दिक्कत है सर, पिताजी बीमार चल रहे हैं, इस वजह से हमारा जो शुल्क है वह माफ़ कर दिया जाए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि हमारे पिताजी का तबीयत 2 महीना से ख़राब है, जिसके चलते वह 2 महीना से काम पर नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण हमारे घर में पैसों की आर्थिक तंगी आ गई है, अतः मैं अपने विद्यालय में अपना मासिक फीस जमा करने में असमर्थ हूँ। यानी कि हमारे विद्यालय में जो भी हमारा मासिक शुल्क होता है, जो फीस लगता है, उसे मैं जमा करने में असमर्थ हूँ। यानी कि हमारे घर में आर्थिक तंगी है, हम उसे जमा नहीं कर सकते हैं। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है। देखिए, चूंकि हम श्रीमान से, यानी कि प्रधानाध्यापक जिसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आग्रह कर रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि पिछले 2 महीनों का मासिक फीस माफ़ कर दिया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। लास्ट में आपको जरूर लिखना है, देखिए, अतः जहां पर भी आप लोग लिख रहे हैं, जैसे यहां पर हम अतः लिख रहे हैं तो पैराग्राफ छोड़ करके ही लिखेंगे। जैसे यहां पर जब खत्म हो गया तो उसके बाद इतना पैराग्राफ छोड़ देंगे और उसके बाद यहां से अतः लिखना प्रारंभ करेंगे। यह लिखने का सही तरीका होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहां से ही लिखना शुरू कर देते हैं, जो गलत तरीका है और आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो यहां से लिखेंगे कि अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि पिछले 2 महीनों का मासिक फीस माफ कर दिया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। और यहां पर अपना नाम लिखेंगे कि आपका आज्ञाकारी छात्र, नाम अंकित कुमार, वर्ग दशम, रोल नंबर जितना भी है उतना आप लोगों को मेंशन कर देना है। यहाँ पर तो आपका नाम पता पूरा हो गया, नाम, रोल नंबर, किस क्लास में आप पढ़ते हैं, जो हो गया। और इधर साइड यानी कि बाएं साइड में आपको डेट मेंशन कर देना है, यानी कि तारीख जरूर लिखना है, किस तारीख को आप यह एप्लीकेशन अपने प्रधानाध्यापक को दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बाएं साइड में तारीख भी लिख देना है। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा, हम पूरे दावे के साथ कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में पत्र लिखने के लिए और एप्लीकेशन लिखने के लिए आप लोग भली भांति सीख गए होंगे, और जिस तरीके से पैटर्न के साथ हम आपको बताए हैं, इसी तरीके से आपको परीक्षा में लिखना है तो पूरा नंबर मिलेगा, अन्यथा आपका नंबर काट लिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग परीक्षा में जाकर के ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि हम आपको यहां पर बताए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह क्लास आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगा होगा। आपके परीक्षा के लिए पत्र और एप्लीकेशन दोनों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, और हर हाल में पूछेगा। ऐसा नहीं है कि सर बता दिए, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, हर हाल में पूछेगा, और आपको इसी तरीके से लिख करके आना है। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। लेकिन इसके पहले, अभी तक अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।